अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ज़बरदस्त से चिकन स्प्रिंग रोल बनके तैयार होते हैं। बहुत ही जल्दी और कम चीज़ों के साथ बनके तैयार होते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। तो फिर चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चिकन स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं। इसमें डाले हैं थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। चिकन के साथ इसमें 2 तरह की सब्जी भी जाएगी, एक है पत्ता गोभी और एक है गाजर। प्याज डालने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। कुछ देर बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पर हम पत्ता गोभी को बहुत ही बारीक चॉप कर लिए हैं और साथ में डालेंगे 1 ग्रेट किया हुआ गाजर। कुछ देर के लिए हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। इसके बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करें। और अब डालेंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून चाय का भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून चाय का चिकन मसाला पाउडर, आधा टीस्पून चाय का होममेड गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स। इसके बाद जाएगा 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम चिकन के साथ डाल के बॉईल कर लिए थे। चिकन के अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून नमक, 3 से 4 काली मिर्चें और 1 सब्ज़ी इलायची डाल के बॉईल कर लिए थे। चिकन बॉईल होने के बाद हम इसके तरह से रेशे बनाए हैं। अब इस बॉईल किए हुए चिकन को हम इसमें डाल के अच्छे से पकाएंगे। तो इसमें पानी डाल के नहीं पकाते हैं, सारी चीज़ों को हम ऑयल में ही भूनते जाएंगे। चिकन डालने के बाद इसे हम देर तक अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। इसे जो है चिकन के ऊपर सारे मसाले अच्छे से लग जाते हैं। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 3 टीस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। अगर आप स्टफिंग रेड कलर की बना रहे हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर और रेड चिली सॉस भी ऐड कर लें। नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाएंगे। सब्जियों में आप इसके अंदर शिमला मिर्च या फिर बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं डाले हैं। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएँगे। चिकन पहले से ही पका हुआ है तो हम सब्जियों के सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो बस यहाँ पर स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम ठंडा कर लेते हैं और अब हम रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस रोल को फ्राई नहीं बेक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा मेल्ट किया हुआ बटर और साथ में लेंगे 1 येल्लो। रोल को पैक करने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा मैदे का घोल। मैदे के आटे में पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। जिस भी ट्रे में आप इसको बेक करना चाहते हैं उसको आप बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें। रोल को अगर आप बेक करना चाहते हैं तो जो रोल की पट्टी होती है उस पर भी आपने मेल्ट किया हुआ बटर अच्छे से लगा देना है। बेक होने के साथ साथ वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। रोल की शीट पर एक तरफ लगाएंगे मैदे का घोल। अब इसके ऊपर बटर को अच्छे से लगा देते हैं। अगर आप इसे बिना बटर लगाए बेक करेंगे तो ये उतने मज़े के नहीं बनते हैं, तो आप इसे बटर लगा के बेक कर सकते हैं। रोल में आप जितनी स्टफिंग चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप चिकन रखें और इसके किनारों को इस तरह से आप फोल्ड करें। रोल बनाने के लिए आप यहाँ पर स्क्वायर शेप की रोल पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके किनारों को कट करके स्क्वायर शेप दें। जो फ्राई करने के रोल हैं इस रोटी को हम कट करके स्क्वायर शेप बनाएंगे। समोसा पट्टी हो या फिर रोल पट्टी बाजार में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। अब इसको ऐसे हम फोल्ड करते जाएंगे। इस रोल को बना के आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रखें। अंदर का जो बटर है पूरी तरह से सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे बेक कर सकते हैं। इसको बेक करने से पहले आप इसके ऊपर एग वॉश करें, से जो है इसके ऊपर एक तरह की शाइनिंग आती है। 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे 195 सेल्सियस पे बेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। हम यहाँ पर रोल को फ्राई करेंगे। ऑयल को हम पहले से ही गर्म कर लिए थे, अब इसमें रोल डाल के फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस फ्राई करने वाले रोल में हम स्क्वायर शेप की पट्टी लिए हैं।
आप इसे जितना क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं उतनी देर आप इसे फ्राई कर लें। लाइट ब्राउन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। इस रोल को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं, बहुत ही बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसको हम निकाल देते हैं। इसी तरह करके हम सारे रोल को फ्राई कर लेंगे। आप इस रोल को ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। ये रोल खाने में बहुत ही अच्छा लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें। शाहदास कुकिंग पे न्यू है, पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक और न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।